नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे और मैं हूं लवकुश मिश्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो इसमें वीडियो को जारी करने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एक दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर पर जाइए, फिजिक्स मैथ इस चैनल पर आप जाइए, इसी एसकेएम स्टडी के नीचे चैनल है ये, यहाँ पर इंटर के फिजिक्स और मैथ अवेलेबल है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग दो संधारित्र लेंगे आवेशित गोलीय चालक। एक चालक ए है और इस तरीके से, और दूसरा चालक हमारा बी है, ठीक है ना। इस चालक की संधारिता सी वन, आवेश की मात्रा क्यू वन तथा जो विभवांतर है वो बी वन है और इस चालक की धारिता सी टू, आवेश की मात्रा क्यू टू एवं विभवांतर वी टू। अगर हम तार को जोड़ दें, तार को जोड़ने से पहले ये फिगर है, तार को अगर जोड़ दें इन दोनों का तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग दो फिगर और बनाएंगे इस तरीके से। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर एक सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर इस तार से मैंने जोड़ा है और जोड़ने के बाद इसका जो धारिता होता है वो C1 होता है और इसका होता है C2, ठीक है ना। विभवांतर सेम रहेंगे और जो आवेश है वो बदल जाता है, Q1 डैश हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा Q2 डैश। तो ये रहा हमारा इस संधारित, ये जो गोलीय दो आवेशित चालक हैं, इसको हम मानेंगे कि माना दो गोलीय आवेशित चालक कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, माना दो गोलीय आवेशित चालक कैपिटल ए और कैपिटल बी है। गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा उपस्थित
आवेश की मात्रा। यहां देखिए जोन तार को जोड़ने से पहले आवेश की मात्रा क्या मैंने बताया, Q1 तथा Q2। धारिता एवं धारिताएं C1 और C2 तथा विभवांतर V1 और V2 हैं। विभवांतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? V1 और V2 तथा गोले B पर उपस्थित ये दोनों हैं। तो अगर हम यहाँ से एक सूत्र ले लें, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका है मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर CV से, अगर पहले संधारित्र के लिए बात करें तो ये हो जाएगा Q1 बराबर C1V1। समीकरण एक। और दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2V2। समीकरण दो। अब यदि दोनों तारों को किसी पतले तार से जोड़ दिया जाए, यानी यहाँ पे जो मैंने जोड़ा है, तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा इसको भी देख लेते हैं। यदि दोनों गोलों को, जो गोली चालक थे उनको जोड़ेंगे, गोलों को किसी पतले तार से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाता है तो वैद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है। यानी जब तार से जोड़ेंगे तो एक गोले से दूसरे गोले में करंट का जो फ्लो है वो चालू हो जाता है। तो वैद्युत आवेश का प्रवाह होने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए धन आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक निम्न विभव से उच्च विभव, यानी जो धन आवेश है वो तब तक होता रहेगा जब तक कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मतलब होगा, और दोनों आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न से उच्च की ओर होता है। तो उस स्थिति में जोड़ने से पहले आप जानते थे कि पहले गोले का आवेश Q1, दूसरे का Q2, और जोड़ने के बाद भी अगर दोनों का हम आवेश कलेक्ट करें तो वही होगा, यानी Q1' + Q2'। अगर उभयनिष्ठ विभव हम भी मान लें उभयनिष्ठ विभव बराबर V, तो V बराबर फार्मूले से कुल आवेश बटे कुल धारिता,
जोड़ने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश बटे C1 प्लस C2। और जहाँ पे मेरी प्यारे बच्चों Q1 डैश प्लस Q2 डैश है वहाँ पर ये चीज़ रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा V = Q1 प्लस Q2 / C1 + C2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग अभी समीकरण एक और दो से हमने पढ़ा था Q1 = C1V1 Q2 = C2V2, तो जहां पर Q1 है और Q2 का मान समीकरण इसमें रख दें, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ रखेंगे Q1 और Q2 का मान समीकरण 3 में, अब जब रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा V = C1V1 + C2V2 / C1 + C2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग जब तार जोड़ दिए थे, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, तार जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव वो तो भी हो गया, तो अगर हम सूत्र Q = CV से बात करें हम लोग, तो Q के स्थान पे Q1 डैश, C के स्थान पे C1 और ये सेम रहेगा समीकरण 5। इस तरीके से दूसरे गोरे Q2 डैश = C2V समीकरण 6। अब समीकरण 5 में 6 का भाग दे दीजिए, लेफ्ट लेफ्ट का भाग, राइट राइट का, तो ये हो जाएगा Q1 डैश बटे Q2 डैश = C1V / C2V। ये भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा Q1 डैश बटे Q2 डैश = C1 / C2। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, यही हमें फार्मूला निकालना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट और माय डियर फ्रेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी पे और मैं हूँ लवकुश मिश्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे एक दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर पर जाइए और वहाँ पे 9th से लेकर 12th तक की फिजिक्स मैथ अपलोड की गई है और उन सभी टॉपिक का आप लाभ ले सकते हैं निशुल्क, बिना किसी शुल्क के। तो उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी SKM स्टडी के नीचे मिलेगा या फिर आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी जो आवेश है वो एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर पहला गोला पर आवेश की मात्रा Q1 था और ये Q1 दूसरे गोले पर चला गया तो आवेश की मात्रा कितना गया उसको निकालने के लिए हम लोग Q1 में से Q2 को घटा देते हैं तो हमारा परिणामी आवेश मिलेगा। और दूसरी चीज, एक उभयनिष्ठ मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा, Q बराबर सी वन बी वन माइनस सी वन वी, ठीक है ना, ये चीज़ मिल जाता है। पहले गोले पर जो धारिता है सी वन विभव बी वन, और धारिता वही चीज़ होगा सी वन ही, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ जो विभव वो वी हो जाता है। अभी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला बताया था, वी नो दैट वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपान सी वन प्लस सी टू। ये चीज़ समीकरण रखेंगे दो में, तो यहाँ पे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू सी वन वी वन माइनस सी वन, वी की वैल्यू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपान सी वन प्लस सी टू। अब ये जो सी वन है इसे कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा वी वन माइनस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू सी वन प्लस सी टू, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका बटा एक एलसीएम हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, इसमें एक का भाग यहाँ पे गुणा कर देंगे वी एन का गुणा डायरेक्ट वी वन सी वन प्लस वी वन सी टू माइनस, इसमें इसका भाग एक बार एक का गुणा इसमें करेंगे सेम आएगा, अंदर माइनस का ये दोनों में गुणा कर देते सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और सी वन, ठीक है, यहाँ पे आप वी वन सी टू, यहाँ पे सी टू वी टू, तो ये सी टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी टू और मिलेगा वी वन माइनस वी टू अपान सी वन प्लस सी टू। तो ये हो गया हमारा इसका फार्मूला, यानी स्थानांतरित, जब दो आवेश एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं तो उसका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, ये चीज़ अगले वीडियो लेक्चर में जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।